हे गाइस व्हाट्सअप। तो यार आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लो एंड पीसी में या फिर लैपटॉप के अंदर जिसके अंदर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और 2 GB रैम है उसके अंदर आप पबजी मोबाइल को कैसे खेल सकते हैं 60 FPS पर HD सेटिंग्स पर। जी हाँ गाइस, आप 60 FPS पर खेल सकते हैं बड़े आराम से अपने पीसी के अंदर जिसके अंदर सिर्फ 2 GB रैम और कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, और आपका गेम बिल्कुल लैग फ्री चलेगा। बहुत ही अच्छी उसमें पिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको एक डिफरेंट तरीका बताने वाला हूँ जो कि नहीं है टेंसेंट गेमिंग बडी का कोई भी ऑप्शन, मतलब आपको इसमें टेंसेंट गेमिंग बडी को या फिर किसी भी एमुलेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने पीसी के अंदर एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल कर देंगे जिससे आपके पीसी के जो पूरे रिसोर्सेज है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर पाएगा, और डेफिनेटली अपने पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अपने मोबाइल से तो अच्छी ही होती है। तो उसके अगर हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके जो लैपटॉप या पीसी के अंदर बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी बहुत ही अच्छा चलेगा आपका जो पबजी है 60 FPS पर या फिर उससे भी ज़्यादा आपको फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिल जाएंगे अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी रिसोर्सेज को यूज़ कर लेता है। तो होता क्या है, जब हम एमुलेटर से खेलते हैं अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर उस वाले गेम को, तो हमारा जो कंप्यूटर है उसको पहले एमुलेटर को चलाना पड़ता है, उसके बाद जो पबजी का जो गेम होता है वो कितना ज़्यादा हैवी होता है उसको भी उसको पूरी तरीके से चलाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एमुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। तो जब हमारे पीसी को एमुलेटर को रन करना पड़ता था उसमें जो सारी रिसोर्सेज लग जाती थी वो वाले पार्ट को हम कट कर देंगे, हमारे पीसी को सिर्फ डायरेक्टली गेम को ही रन करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको परफॉर्मेंस में एकदम से बूस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस मेथड से गेमिंग करने में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, अपने टेंसेंट गेमिंग बडी या फिर गेम लूप वाले मेथड से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। और टेंसेंट गेमिंग बडी और गेम लूप में आप जब भी पबजी मोबाइल को रन करते होंगे तो उसमें 720p या फिर उससे भी कम रेजोल्यूशन में चलता है, पर इस वाले मेथड में जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको फुल रेजोल्यूशन में आपका जो पबजी मोबाइल है वो आपके पीसी के अंदर चलने वाला है। तो गाइस बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है और देखकर आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है। और गाइज़ अगर आपके लो एंड पीसी के अंदर ये मेथड आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है जो कि डेफिनेटली देगा ही, तो आपको यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक। तो गाइज़ यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं फिनिक्स OS को। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी इंस्टॉलर exe फाइल चाहिए होगी और आपको पबजी गेम की APK और डेटा OBB फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप इसको अपने फिनिक्स OS को इंस्टॉल करने के बाद उसमें डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकें और खेल सकें। तो आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिनिक्स OS की जो फाइल है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है अपने गूगल क्रोम के अंदर, और वहाँ पर जाकर आपको सिंपली टाइप करना है फिनिक्स OS, और आपके सामने जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर आपको ये विंडोज़ का exe इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। 634 MB की ये फाइल है, कोई ज़्यादा बड़ी फाइल भी नहीं है, तो इसको आप बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये वाली exe इंस्टॉलर फाइल आ जाएगी। तो इसको आपको डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने फिनिक्स OS की इंस्टॉलेशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉल करने का और अनइंस्टॉल करने का, तो इसकी मदद से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको डिस्क सेलेक्ट करनी है आपको कौन से डिस्क के अंदर फिनिक्स OS को इंस्टॉल करना है। डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपको अपने फिनिक्स OS का इंटरनल स्टोरेज कितना रखना है। अगर आप इसको सिर्फ पबजी खेलने के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 16 GB पर रखें ताकि आपकी ज़्यादा हार्ड डिस्क स्पेस भी इसके अंदर यूज़ ना हो और ये कम टाइम में इंस्टॉल हो जाए। जितना ज़्यादा आप स्टोरेज रखेंगे उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, तो आप इसको 16 GB पर ही रखें। तो गाइस इस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन आपके 2 मिनट्स लेती है, और आप इसको किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो उसका डाटा आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलेगा, उसके अंदर आपकी कोई भी फाइल डैमेज नहीं होगी, तो इसको आप किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल है, और इसको आपको इंस्टॉल होने देना, आपको वेट करना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि हमारा फिनिक्स OS जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको रिबूट करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर रिबूट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर आगे की फुटेज दिखाऊंगा अपने कैमरा से रिकॉर्ड करके, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा जो पीसी है वो रिस्टार्ट होएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली रिस्टार्ट पर क्लिक कर देना है और आपका पीसी रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस रिस्टार्ट करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, विंडोज़ और फिनिक्स OS। आपको फिनिक्स OS को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है ताकि आपका फिनिक्स OS बूट हो जाए। अब आप जब भी पीसी को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक होगा फिनिक्स OS का, एक होगा आपके सामने विंडोज़ का। तो आपको जिसमें भी बूट करना हो, जैसे आपको कभी विंडोज़ में बूट करना है तो आप विंडोज़ में बूट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फिनिक्स OS में बूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम इनिशियलाइजिंग हो रही है,
इसको हम होने देते हैं, यहाँ पर हम वेट करेंगे थोड़ी देर। तो गाइज ये हमारे फिनिक्स ओएस का फर्स्ट टाइम बूट है, तो ये सेटअप होने में 5 मिनट्स ले लेगा, तो आपको 5 मिनट्स तक वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज वगैरह सेटअप करनी है, वाईफाई वगैरह सेटअप करना है, तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फिनिक्स ओएस सक्सेसफुली बूट हो चुका है। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली इसमें अपना गेम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आपको माई कंप्यूटर को ओपन कर लेना है, इससे आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सी ड्राइव को लोकेट करना है, उसको आपको ओपन कर लेना है, फिर वहाँ पर आपको जाना है यूज़र वाले फोल्डर में। उसके बाद आपको अपने यूज़र को सिलेक्ट कर लेना है जो आपका विंडोज़ में यूज़र था, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है डेस्कटॉप पर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पबजी वाले फोल्डर को डेस्कटॉप पर ही पेस्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने फोल्डर को डेस्कटॉप पर पेस्ट करा था, तो यहाँ पर मेरा फोल्डर आ चुका है। यहाँ से आप जो OBB वाला फोल्डर है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और बैक जाना है मेन स्टोरेज में, इसके अंदर आपको जाना है एंड्रॉयड में। यहाँ पर जाकर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपको रखना है OBB। उसको क्रिएट करने के बाद इसको आपको ओपन करना है, इसके अंदर जाकर आपको OBB वाला फोल्डर अपना पेस्ट कर देना है। तो गाइस इस वाले फोल्डर को पेस्ट करने के बाद आपको फिर से बैक जाना है अपनी सी ड्राइव के अंदर, वो जो हमारा पबजी वाला फोल्डर था उसके अंदर जाना है आपको। फिर आपको पबजी APK को ओपन करना है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने पैकेज इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और इसको इंस्टॉल होने देना है। गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा पबजी APK भी इंस्टॉल हो चुका है, तो अब आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस अब आप अगर मेनू वाले बटन पे क्लिक करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पबजी मोबाइल यहाँ पर शो कर रहा है, हमारा पबजी मोबाइल इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप पर ऐड कर लेते हैं, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है और हमारा गेम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। गाइज हमारा गेम यहाँ पर पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और फुल रेजोल्यूशन में ये गेम हमारा चल रहा है यहाँ पर। तो अब मैं आपको यहाँ पर सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ अपनी ग्राफिक्स की सेटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं HD पर मैंने सेटिंग्स कर रखी है और हाई फ्रेम रेट रख रखा है, और मैं आपको अभी गेम प्ले दिखाने वाला हूँ आगे, तो आप देख सकते हैं कैसा गेम प्ले चलेगा। यहाँ पर आपको ऊपर गेम हेल्पर देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अपनी की मैपिंग कर सकते हैं, इसकी आप ओपेसिटी वगैरह को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना लैग के हमारा गेम चल रहा है और ये ट्रेनिंग में है। मैं आपको अभी डायरेक्ट मैच में भी गेम प्ले दिखा दूंगा। गाइस यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी है, तो उसकी वजह से आपको 2-4 फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आप इसको अपने PC के अंदर रन करेंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप गेम प्ले देख ही सकते हैं। Tencent गेमिंग बडी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये आपको खेलने पर ही पता चलेगा कि इसका कैसा एक्सपीरियंस है। आप पहले अपने कंप्यूटर में गेम लूप में खेल के देख सकते हैं, उसके बाद आपको इसको आप चाहें तो दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ में भी गेम लूप और इसको भी, और आप दोनों में खेल के फ़र्क पता कर सकते हैं किस में ज़्यादा अच्छा चल रहा है आपका गेम। आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगा। अगर आपके PC में ज़्यादा अच्छा चलता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेथड अच्छा लगा और आपके PC में ये ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। तो गाइस इसी तरीके से आप भी अपने 2GB रैम के लैपटॉप या फिर PC के अंदर जिसके अंदर कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है खेल सकते हैं पबजी मोबाइल को 60 FPS पर HD सेटिंग्स में, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो इस मेथड को फॉलो करके आप भी अपने PC के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताई दिया है। तो गाइस आप अगर पबजी खेलना पसंद करते हैं तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।